मेरे पास मेरठ के रहने वाले थे, मेरठ में रहकर वो काम करती थी, इकलौता अकेली आईडी थी मेरी दिल्ली में। सोच के देखो यार, सोच के देखो कैसे काम किया होगा। लेकिन बोला जाता है आदमी करने की स्टार्टिंग करे तो कारवा ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, हाँ ना? और आज कारवा जुड़ गया है, समझ में आ रहा है? तो आज आप लोगों के लिए बिजनेस बहुत आसान हो चुका है, कामयाबी के बारे में हमेशा सोचा करें। नेक्स्ट, जो लीडर हमेशा सकारात्मक बातें सुनते हैं और करते हैं, हमेशा सकारात्मक बातें सुनते भी और करते हैं। दो तरह के लीडर हैं, एक सुनते हैं यार और करते वही हैं जो करने वाली होती है उनकी, करते वही हैं। उनको कितना ही समझाओ कितना भी, लेकिन करेंगे वही, बस कितना भी कुछ भी कह दो उनसे, कितना ही समझाओ कितना भी, लेकिन करेंगे वही, बस ढक के तीन पाक होते, कितना भी कर लो वो करेंगे वही। नेक्स्ट, जो लीडर कभी भी गलती से असफलता की बातें नहीं करते। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं आज, एक बात, आपके अपलाइन में अगर आपका कोई अपलाइन ऐसा है जो आपसे असफलता की बातें करता है, कोई भी अपलाइन है आपका, आपने अपने अपलाइन से बोला कि सर मैं 10 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूं, और आपका अपलाइन बोले 10 की मत खरीदे 4 लाख की खरीद, उस अपलाइन को बोलना अक्सर उधर देखो, उल्टा करना अपलाइन को और पिछवाड़े में लात मार देना उससे, भयंकर वाली मारना। ऐसा अपलाइन नहीं चाहिए जिसकी छोटी सोच हो। अपलाइन कौन होता है? हमने बोला सर मेरे जिम में 10 लाख रुपए हैं और मैं 10 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। अपलाइन बोले अरे सर कोई बात नहीं, आपकी औकात तो करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने की भी है, आज 10 लाख की खरीदो, आने वाले समय में 1 करोड़ रुपए की खरीदेंगे। इसको बोलते हैं अपलाइन। जो हमेशा डाउनलाइन से बड़ी सोच में बात करता है, कभी भी नेगेटिव नहीं करता है अपलाइन डाउनलाइन को। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं डाउनलाइन को नेगेटिव करते हैं। डाउनलाइन ने बोला कि सर मैं 50,000 का मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, 50,000 का पागल हो रहा है, 5,000 का खरीद ले, उसमें भी वही होता है जो 50,000 वाले में होता है। लीडर वो होता है अरे सर कोई बात नहीं, आज आप 50,000 का खरीदो, आने वाले समय में जो आईफोन का सबसे महंगा मोबाइल होगा वो भी खरीदेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। बड़ा सोचो, बड़ा जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा सोचो, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा सोचो। जिंदगी में याद रखना बड़ा वही होता है जो जितना बड़ा सोच सकता है, आया ना? समझ में आ रहा है? कभी भी डाउनलाइन से असफलता की बातें ना करें और ना ही कभी अपलाइन से करें। दो तरह के लीडर होते हैं, एक हमेशा अपने अपलाइन से हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, एक डाउनलाइन ऐसी होती है जो अपलाइन से नेगेटिव बात करते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है डाउनलाइन से करो पॉजिटिव बात, अपलाइन से करो नेगेटिव बात। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपलाइन से नेगेटिव बात करो करो, लेकिन जो जायज है वो करो, जो जायज नहीं है ना वो भी मत करो। जो लीडर क्या करते हैं, जायज नहीं है ना वो भी करते हैं, और अपने अप्लाइन के दिमाग में एक छवि बना लेते हैं कि ये उसका फोन आ रहा है ना, अप्लाइन के दिमाग में विचार आता है नेगेटिव बात करने के लिए आ रहा है। अपने अप्लाइन के दिमाग में एक छवि बनाओ कि हम जब भी कॉल करें ना अप्लाइन को, हमारा अप्लाइन हमारी कॉल रिसीव करे, हमारा अप्लाइन हमारा कॉल उठाते हुए डरे ना। मेरी टीम में है 4-5 लोग ऐसे जिनका कॉल उठाने में धड़ मुझे पता है, कॉल उठाते नहीं नेगेटिव बरसाएगा, पॉजिटिव कभी इसमें बोले गई हमेशा नेगेटिव ही देगा कुछ ना कुछ। क्या बोलेगा? सर मेरा चेक नहीं बन रहा। अच्छा चेक नहीं बन रहा, अब उससे पूछो कैसे बनेगा, उसी से डाउनलाइन से बोलेगा सर 200 SP जाएगा 2000 का बनेगा, और सब 200 SP कब जाएगा सब 7-8 लोगों को बुलाने का 200 SP जाएगा, सब मालूम है उसको, उसको मालूम सब। लेकिन हाँ जब तक नेगेटिव बात ना हो जाए ना दो चार और डकार वकार ना है, डकार चाहिए तो नेगेटिव बात भी चाहिए, और अपने अप्लाइन के दिमाग में नेगेटिव छवि बना लेते हैं नेगेटिव बात कर करके कर करके कर करके, फिर अप्लाइन डरता है कि इनकी कॉल उठाऊं या ना उठाऊं। बहुत सारे लोग हैं अप्लाइन को बात कॉल करेंगे, कॉल करके अप्लाइन को फोन लगाएंगे और बड़े मधुर हिसाब से सर नमस्कार, ओ भाई इतनी देर में नमस्कार कर रहा है, इतनी देर में बात बता दी क्या है, टाइम नहीं है, और नमस्कार करने में पूरा लंबा खींच रहा है सर नमस्कार। मेरे पास ये तो कॉल आते हैं कानपुर में लीडर उसका कॉल आता है मेरे पास, जो जो भैया वगैरह चमन सर रहते हैं उसका जब कॉल आता है चमन सर लेकर को हंसते हैं, और मैं उठाऊंगा सर नमस्कार, तो सर नमस्कार बोलिए कैसे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ सर ठीक हूँ आप बताओ जल्दी, सर एक बात पूछनी थी क्या पूछ सकता हूँ, भैया पूछ पाछ के बाद खत्म कर क्यों टाइम खराब कर रहा है।
अब जब भी उसका फोन आता है ना तो मेरे दिमाग में वो विचार आता है, अब ये बोलेगा सर नमस्कार। तो हम अपने अपने दिमाग में अपने जो विचार होते हैं वो डालते हैं, जैसे हम हैं। तो भाई अपने अपने से जब भी आप बात करते हो ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, पॉइंट टू पॉइंट कि सर नमस्कार, कि सर ये काम था, ये कैसे होगा, बात खत्म।